जो मीडिया होते हैं वो मीडिया भी दो तरह के मीडिया होते हैं, ठीक है ना। एक मीडिया हमारा होता है टेंजिबल, एक होता है नॉन टेंजिबल, या एक तरह से आप बोल सकते हो गाइडेड और अनगाइडेड। एक मीडिया आपका होता है गाइडेड, एक होता है आपका अनगाइडेड। गाइडेड मीडिया वो मीडिया होते हैं जो बेसिकली हम लोग टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, लाइक केबल्स। और अनगाइडेड मीडिया वो होते हैं जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, लाइक रेडियो फ्रिक्वेंसीज, आरएफ, जिसका जिसके अंदर आपका माइक्रोवेव वगैरह ये सारी चीज़ें आती हैं। खाने बनाने वाला माइक्रोवेव नहीं, ठीक है ना, कम्युनिकेशन वाला माइक्रोवेव। तो गाइडेड मीडिया हम लोग डिस्कस करते हैं इस कोर्स के अंदर बेसिकली जो डिस्कस किया जाता है वो गाइडेड मीडिया किया जाता है। गाइडेड मीडिया में जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो आती है आपकी, ठीक है ना, केबल्स। तो केबल्स में सबसे पहली जो केबल आती है उस केबल का नाम है कोएक्सियल केबल। इसमें तार का बना होना ऐसा होता है, एक काली रंग की मोटी सी तार होती है, उसके अंदर एक सफ़ेद रंग की फॉइल होती है, ठीक है ना, उसके अंदर भी एक प्लास्टिक की तार होती है और उस प्लास्टिक के अंदर भी एक कॉपर की तार होती है, मतलब ओवरऑल ऐसे बनी होती है ये तार। इसके ऊपर एक सिल्वर पेपर लगा होता है और सिल्वर पेपर के ऊपर एक जाली, ये तार इस तरह की होती है, या सिंपल भाषा में ये तार होती है जो केबल टी वाले आपके घर पे केबल लगाते हैं ना, सेम तार होती है, उसे भी हम कोएक्सियल केबल ही कहते हैं। कोएक्सियल केबल में दो कैटेगरीज होती है, एक होती है थिक नेट और एक होती है आपकी थिन नेट। थिक नेट को बोलते हैं 10^5 और थिन को कहते हैं 10^2, मतलब 10 Mbps बेस बैंड और 5 का मतलब 500 मीटर। और इसमें होता है 10 सेम मेगाबिट पर सेकंड बेस बैंड, और कहा जाता है 200, मगर एक्चुअल में 200 मीटर नहीं होते, ये अप्रॉक्स होती है अराउंड 184 के आसपास, 184 या 186। पूरी 200 मीटर तक तार आप नहीं लेके जा सकते, 200 मीटर से पहले सिग्नल ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। क्या मतलब 10^5 का मतलब है? जब आप ये इनमें से कोई भी केबल यूज़ करोगे तो उस केबल में जो डेटा ट्रांसफर की स्पीड है वो स्पीड होगी 10 Mbps। बेस बैंड का मतलब क्या है? बेस बैंड इज यूज टू कैरी वन टाइप्स ऑफ सिग्नल इन अ सिंगल टाइम, मतलब आप बेस बैंड में एक ही तरीके का सिग्नल ट्रांसमिट करा सकते हो, मल्टीपल सिग्नल्स नहीं चला सकते, आपको सिर्फ एक ही तरह का सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने की अनुमति मिलती है। और आज की डेट में हम लोग क्या यूज़ करते हैं? ब्रॉड बैंड। ब्रॉडबैंड में क्या होता है? ब्रॉडबैंड में हम एक ही टाइम पे मल्टीपल सिग्नल्स को कैरी करा सकते हैं। आप सॉन्ग सुन रहे होते हो, यूट्यूब में मूवी देख रहे होते हो, मेल भी रिसीव कर रहे होते हो, किसी को मेल सेंड भी कर रहे हो, एक ही टाइम पे 7 डिस्क सारे काम कर रहे हो बिकॉज ऑफ ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड कनेक्शन की वजह से आपके साथ ये होता है कि आप मल्टीपल सिग्नल्स को भी कैरी करा सकते हो, ये बहुत आसान तरीका। अब 5 का मतलब 500 मीटर, आफ्टर द 500 मीटर यू रिक्वायर अ रिपीटर। 500 मीटर के बाद आपको एक डिवाइस लगाना पड़ेगा जिसे कहते हैं एम्पलीफायर, जो सिग्नल्स को आगे बढ़ाता है ना। तो ऐसे 500 मीटर करके आप एक रिपीटर यूज कर सकते हो, फिर 500 मीटर करके रिपीटर, फिर 500 मीटर करके रिपीटर, फिर 500 मीटर करके रिपीटर और फिर 500 मीटर। आप एक सेगमेंट में मतलब एक नेटवर्क अगर इस्टेब्लिश करना चाहते हो तो उसमें मैक्सिमम 4 रिपीटर लगा सकते हो, और 500 500 500 500 तो हर सेगमेंट के अंदर आपके 100 PC लग सकते हैं। तो 100 इसके अंदर टोटल 500 PC लग जाते हैं अगर आप केबल यूज़ करते हो थिक वाली, ठीक है। अगर आप यूज़ करते हो थिन वाली उसमें भी सेम है, 1 रिपीटर 2 रिपीटर 3 रिपीटर 4 रिपीटर, बट इसे PC आप लगा सकते हो 30। एक सेगमेंट के अंदर आप मैक्स टू मैक्स 30 PC लगा सकते हो,
30 पीसी से ज़्यादा डेटा नहीं सेंड कर सकते। तो टोटल कितने पीसी लगेंगे इसमें? 150 पर एक्चुअल में 150 नहीं लगते हैं, क्योंकि पीसी लगते हैं अराउंड 144 से लेकर 144। वाई? क्योंकि मैंने आपको बताया था इसकी लेंथ जो होती है ना वो कभी 200 मीटर पूरी नहीं होती है, तो नेचुरली बात है कुछ मीटर कम होगी तो पीसी कम ही लगेगी, हर जगह 30-30 थोड़ी लगे, मीटर कम होते जाएंगे तो पीसी भी कम होते जाएंगे। तो ये होता है आपका कोएक्सियल केबल, इसमें सारा डेटा जाता है इस कॉपर केबल से, और इस कॉपर केबल में जो डिवाइस लगता है या जिसे आप कनेक्टर कहते हैं उसे कहते हैं BNC, ब्रिटिश नोवल कनेक्टर। अब बात की जाती है इस केबल को इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों किया गया। इस केबल को इतना मुश्किल, इतना कॉम्प्लिक, इतना कॉम्प्लेक्स क्यों बनाया गया? व्हाई? डेटा लॉस ना हो। किस से लॉस ना हो? सिंपल सर क्यों नहीं है यहाँ पे ये मोटी काली सी केबल उसके ऊपर जाली काम करने के लिए दिया। ये क्यों बनाया जाता है? ताकि हम लोग एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट नहीं, वो नहीं है, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस का मतलब ये होता है कि यहाँ से कोई इंटरफेरेंस अगर आएगा तो पहले वो बाहर की काली की तार, काली वाली तार को तोड़ देगा, और जैसे ही तार को तोड़ेगा वो आएगा इस तार में, जैसे ही यहाँ पे आएगा वो डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड होने की वजह से वो अंदर की कॉपर वायर पे कभी अटैच होता ही नहीं है, और इस वजह से आपका डेटा लॉस होने से बच जाता है। तभी आपने केबल टीवी वाले को कभी नोटिस किया हो तो आप लोग जब आए हो ना तब से केबल टीवी वाले चूड़ी वाला यूज़ कर रहे हैं, कॉपर की तार घुसेड़ते हैं और चूड़ी कर देते हैं। हम जब केबल यूज़ करते थे अपने टाइम पे ना, एक शॉकेट आता था, उस शॉकेट में वो क्या करते थे उसको बीच में से काटते थे, एक जाली को एक पेज पे, एक जाली को दूसरे पेज पे टाइट कर देते थे, और सफ़ेद वाली फॉइल पे ऐसे एक क्लिप लगा देते थे, और वो सफ़ेद वाली फॉइल आगे एक छेद होता था, उस छेद में कॉपर की तार ऐसे टर्न करा देते थे ताकि वो कॉपर की तार अटैच हो, और ध्यान रखते थे कि वो जाली जो होती है ना ऊपर एल्यूमिनियम की जाली होती है जो, वो सॉलिड टच ना करे कॉपर। आज भी केबल टीवी वाले लेकर ये केबल यूज़ करते हैं क्योंकि आजकल सब फाइबर पे चले गए, डिमांड बढ़ गई भाई फाइबर की, सब लोग फाइबर यूज़ कर रहे हैं आज की डेट में। केबल नहीं, केबल में तो अभी भी यही आ रहा है सर, केबल टीवी वाले फाइबर पे आ चुके हैं। D2H वाले भी, D2H वाले ही तो आए हैं नहीं, हमारे यहाँ पे हमारे यहाँ पे भी कोएक्सियल यूज़ कर रहे हैं सर, वो चीप पड़ती है, और जो क्वालिटी फाइबर में है ना वो उसमें नहीं है, फाइबर में क्वालिटी बहुत अच्छी आती है, फाइबर में मतलब D2H वगैरह की क्वालिटी बहुत अच्छी, हाई एक्चुअली हाई रेजोल्यूशन होते हैं, बहुत अच्छा रेजोल्यूशन है, तो उसमें भी हम आपको भी देखते हैं कभी तार टूट जाती है, कट जाती है ना, वो क्या करते हैं आके तार आते हैं, कटर होता है उनके पास, उस कटर से तार छीन देते हैं, तार छीनने के बाद कॉपर को कॉपर से टाइट कर देते हैं, और ध्यान से देखना वो जाली जो होती है ना जाली, उसको जाली को जाली के साथ टच करते हैं, उस जाली को कभी कॉपर के साथ लग के टेप नहीं लगाया उन्होंने, सिर्फ उसी को टेप कर देते हैं, जाली को जाली के साथ मोड़ के चले जाते हैं, ओपन छोड़ देते हैं। वो वजह यही होती है कि कॉपर को अगर गलती से भी, अगर आपकी कॉपर वायर को गलती से भी वो जाली टच कर लेगी ना तो उसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस दिक्कत होता नहीं है क्या? कई बार आप लोग वो हाई एक्सटेंशन केबल होती है, सुना हो आप लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी की हाई एक्सटेंशन केबल होती है, कभी उसके आसपास से गुजरना, दिल्ली में संत नगर बुराड़ी पड़ता है, दिल्ली का संत नगर बुराड़ी में भाई साहब छतों के ऊपर हाई एक्सटेंशन केबल जाती है, पहले मैं वहाँ जॉब करता था तो कई बार निकलता था कई बार घर से आगे वहाँ से, तो तेज आवाज़ आती थी बड़ी ज़बरदस्त भाई साहब, मोबाइल फ़ोन नहीं यूज़ होते थे, दिक्कत आती थी, इंटरफेरेंस होता था। तो ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक इंटरफेस को रिड्यूस करने के लिए ये बना, जैसे मरकरी होता है पारा, उस पारे को देखो बड़ा अच्छा लगता है, उसको ज़मीन में गिरे तो क्या होता है टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं ना, जब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस आएगा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस क्या होगा उस वायर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो उसके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं बचेगी, कैपेसिटी होगी नहीं कि साला अंदर कॉपर में घुसे, तभी इस वायर को कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया। क्यों? क्योंकि आप ध्यान से नोटिस करना, ये तार ज़्यादातर बिजली के खंभों से यूज़ की जाती है, आप देखना केबल टीवी वाले बिजली के खंभे पेड़ों से लगाते हैं इसको, क्योंकि उनको पता है कि भाई इसमें कोई टेंशन नहीं है, ये साला रेडियस। पहले क्या होता था केबल चलाने के लिए, पहले क्या होता था घर से बाहर की केबल की तार जा रही होती थी ना, उसको सालों को छीन देते थे,
छीनने के बाद अपनी तार लगा दो, मुफ्त में केबल देखते थे फ्री में। पहले हम लोग 50 रुपये लेते थे केबल, मैं पहले 50 रुपये लेता था, लोगों 50 रुपये में मौत आती थी, एक महीने 50 रुपये देने में मौत आती थी लोगों को, 50 रुपये देने में ऐसे पैसे होती थी भाई। चलो चोरी का यूज़ करते थे, रात को निकलते थे हम देखने के लिए चले किसने जंपर मारा हो, क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि वो तो ऐसे छीन के बस रख देते तार। अब उसके क्या उनको नहीं पता होता कि कॉपर मेन इंपॉर्टेंट होती है, जारी से तो साले हमारे केबल के अंदर स्नो आना शुरू हो जाता है, सिग्नल में नॉइस, एक तरीका नॉइस मान लो, नॉइस में होता है उसे हम लोग एटेन्यूएशन बोलते हैं, स्नो बोलते हैं, वो आना शुरू हो जाता है। अब उस स्नो को कम करने के लिए बेसिकली हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता था, है कोई आजकल नहीं तो है गाड़ी में, पर ये तो ट्यूबलेस है ना। हाँ तो धीरे धीरे ताकि पहुँच जाए ट्यूबलेस में भी, तो ये इसलिए कॉम्प्लिकेटेड बनाने की वजह थी कि भाई साहब डेटा सक्सेसफुली सोर्स टू डेस्टिनेशन पे पहुँच। आप एक्सपेरिमेंट करना चाहो तो घर जाके एक्सपेरिमेंट कर लेना, वो केबल टी के सेट टॉप बॉक्स नहीं लगा होता, उसको जाके चूड़ी खोल देना पीछे से है, वो जो लगा होता है उसको निकाल देना, उसके बाद वो जाली नहीं होती जाली, उस जाली को कॉपर के साथ टच करके ना फिर चूड़ी में लगा के देखना, फिर देखा तुम्हारा केबल कितना मस्त आता है। इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाना, इतना डिफिकल्ट बनाना, इसकी वजह यही होती थी, इट इज यूज टू रिड्यूस अ मैक्सिमम टू मैक्सिमम EMI। कोशिश यही करता था कि भाई सोर्स टू डेस्टिनेशन कम्युनिकेशन में ये रिड्यूस कर सकते, पर आज की डेट में हम इसे यूज नहीं करते। इन अ नेटवर्किंग पर्पस वी नेवर यूज दिस टाइप्स ऑफ केबल। ये कहाँ यूज होती थी? बस टोपोलॉजी में, याद है मैंने आपको टोपोलॉजी पढ़ाई थी, तो बस टोपोलॉजी पढ़ाई थी आपको, बस टोपोलॉजी में केबल यूज होती थी। बस टोपोलॉजी में ये सेगमेंट्स होते थे, आप इतना बड़ा बस टोपोलॉजी बना सकते थे, इससे बड़ा बस टोपोलॉजी नहीं बनता। और आज की डेट में जो हम केबल यूज करते हैं उसका नाम है ट्विस्टेड पेयर, ठीक है ना। आज मैं नोट्स भेज दूंगा, ये भी ऐड हो गए हैं, सारे ऐड हो गए हैं, मैं नोट्स भेज दूंगा। ट्विस्टेड पेयर में दो तरह के केबल होते हैं, एक होता है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। शील्डेड ट्विस्टेड पेयर मतलब एक बहुत ही मोटी केबल होती है, उसके अंदर एक केबल मिलेगी, 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 उस केबल के अंदर ट्विस्टेड पेयर, और इनके ऊपर ही बहुत सारी फाइबर के जाल और बहुत सी चीज। इसे भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया है, अगर आप ध्यान से देखो मैं आपको नॉर्मल वे में समझाना चाहूँगा। कई बार यहाँ पे खुदाई चल रही होगी ना कहीं पे भी, आप चेक करना, एक बहुत मोटी सी केबल होती है, उस मोटी में अलग अलग रंग बिरंगी केबल्स होती है, वो एक तरह का शील्डेड ट्विस्टेड पेयर का एग्जाम्पल है। शील्डेड ट्विस्टेड पेयर का वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, क्यों? क्योंकि आपको बताना चाहूँगा वहाँ पर ये इसलिए डाला जाता है कि ग्राउंडिंग में इस तार को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। आप चेक करना वो तार कहाँ डाली होती है, हमेशा ज़मीन खोद के डाली होती है, और ज़मीन में क्या चीज़ होती है? अर्थिंग। ज़मीन में अर्थिंग होती है, तो अर्थिंग इन द सेंस EMI है, तो EMI इफेक्ट डाल सकता आपके सिस्टम डाल सकता है, नहीं डाल सकता। उसको रिड्यूस करने के लिए इस STP को इतना ख़तरनाक बनाया गया। दिल्ली मेट्रो के अंदर जो अंडरग्राउंड फिटिंग्स नहीं है उसके अंदर भी आप चेक करना ये वाली केबल है, पर ये वाली केबल सिर्फ बाहर होती है, पीसी पे इसकी दूसरी कैटेगरी आती है, पीसी पे इसकी दूसरी कैटेगरी, अनशील्डेड टू स्टील पेयर। इसमें सिंपली एक तार होती है और चार पेयर होते हैं, बस खत्म कर, चार पेयर एक तार, और इन तारों को लपेटने के लिए सिर्फ एक धागा था फाइबर का। या अच्छी कंपनी की खरीदोगे तो एक प्लास्टिक की मतलब प्लास्टिक का जैकेट टाइप बना होता है, एक तार इधर एक तार इधर एक तार इधर एक तार, चारों तारों को अलग अलग रखता है, बहुत अच्छा होता है, फ्लेक्सीबल हो सकता है। अच्छी तार खरीदो, अच्छे पैसे लगाओ, तो ये जी ये वाली खरीदोगे तो सस्ती है, 5-7 रुपये मीटर मिल जाती है। इंस्टीट्यूट में तो ये चीज़ चलती है, 12 बार काट के बनानी होती है ना,
कंपनी पे भी यही होती है, पर सर कैटेगरी अच्छी होती है ये तो, यहाँ फिर भी हल्की होती है, कंपनी फिर भी अच्छी होती है, सबसे अच्छी होती है डीलिंग की वायर, डीलिंग की वायर नीली वाली केबल देख रहे हो यहाँ पर, वो उधर उधर की तरफ नीली वाली, उधर नीली जो लटकी हुई है वो है डीलिंग की केबल, ये केबल ये अच्छी अच्छी क्वालिटी की है, ये अच्छी क्वालिटी का खुद ही पता लग जाता है कनेक्टर कैसा है, इसके ऊपर बकायदा प्रिंटेड लिखा भी होता है, चीज़ें लिखी होती है। तो इसमें जो आठ तारे होते हैं ना, उन आठ तारों के रंग होते हैं, एक होता है, मैं पेयर की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, पेयर, मैं अभी केबल कलर कोड की बात नहीं कर रहा, पेयर बता रहा हूँ, आठ तारे होते चार पेयर, तो एक पेयर होता है ऑरेंज का, ऑरेंज और इसके साथ होती है वाइट ऑरेंज, एक पेयर होता है ग्रीन और इसके साथ वाइट ग्रीन, वाइट ग्रीन का मतलब ये मत सोचना एक ग्रीन के ऊपर वाइट, उल्टा है, वाइट के ऊपर एक ग्रीन रंग की पतली सी धार जा रही है। पांचवा आपका होता है ब्लू और छठी इसकी होती है वाइट, सातवीं इसकी तार होती है ब्राउन और आठवीं इसकी तार होती है वाइट ब्राउन। ये आठ रंग की तारे आपको यूटीपी केबल में देखने को मिलेगी, और इस यूटीपी केबल में ड्रॉबैक यही है कि इसके अंदर ईएमआई आता है, अभी केबल के लटके कई बार आपके सिग्नल लॉस हो जाते हैं, नेट के कई बार सिग्नल लॉस होने की वजह यही होती है कि इन केबल्स में ईएमआई, तभी आप ध्यान से देखना इंटरनेट के जितनी भी केबल आती है ना, तभी तुम्हारे को दीवारों के अंदर नहीं मिलेगी, इंटरनेट की केबल हमेशा तुम्हें बाहर बाहर से मिलेगी, क्योंकि इन केबल्स पर इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो ईएमआई को रिड्यूस कर सके, क्योंकि ये कॉपर की वायर है, ईएमआई आएगा तो इसको इफेक्ट करेगा ही करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तभी लोग घर में वाईफाई लगाना पसंद करते हैं, क्योंकि केबल्स का जंजाल हो जाता है, कट गया, ये हो गया, चूहे ने खा लिया, कुछ कर लिया, तो काम खराब हो गया। लेकिन अब बहुत सारे इसमें तो चार ही कलर है, साथ में एक वाइट है, तो यही तो बताए, यही तो बोला सर, मैं पढ़ो ना यहाँ पे, मैंने बोला ऑरेंज है, ऑरेंज के साथ ऑरेंज वाइट है, ब्लू ग्रीन है, ग्रीन के साथ वाइट ग्रीन है, ब्लू है ब्लू के साथ वाइट, और ब्राउन है ब्राउन के साथ वाइट, ये आठ तारों के रंग। और इस इसको जिस कनेक्टर से जोड़ा जाता है उसका नाम है आरजे कोटिफायर, रजिस्टर जैक कोटिफायर। पहले इनकी कुछ कैटेगरीज, आज भी कैटेगरीज आती है, पहले आती थी कैट वन एंड कैट टू, ये दोनों वायर्स यूज होती थी, आज भी यूज होती है टेलीफोन के अंदर। फिर आया कैट थ्री जिसकी स्पीड बनी 10 Mbps, फिर कहते हैं कैट फोर 16 Mbps, फिर आया कैट फाइव जिसकी स्पीड कहा जाता था 100, मगर 100 कभी नहीं होती थी, 100 Mbps लिखते थे मगर वो 50 Mbps ही देती थी, 100 नहीं देती, 50 Mbps मान के चलता। हाँ, कैट फाइव ई जब आया ना, उसने तो जरूर बोला कि अप टू 100 Mbps, मतलब 100 Mbps तो आपको मिलेगी मिलेगी, और आज भी हम लोग कैट फाइव ई भी यूज़ कर रहे हैं, पर मार्केट में आज की डेट में नई केबल आ चुकी है जिसका नाम है कैट सिक्स, मतलब हाँ ये भी आ चुकी है, उसमें 10 GB पे सर स्पीड, कैट सेवन भी आ चुकी है, सेवन भी आ चुकी है सर, कैट एट भी आ चुकी है सर, सिक्स के नहीं आए, नहीं कैट सेवन भी आ चुकी है, पता है कैट एट भी आ चुकी है, मुझे तो सारी पता है, हम तो ज़्यादा बताते थे कि मार्केट में नहीं आई है, वैसे बाहर आ चुकी है, बाहर विदेशों में चल रही है, हमारे इंडिया में चल रही है, हमारे इंडिया में कैट सिक्स तक चल रही है। अच्छा, अगर इस अगर ये कैट सिक्स आ चुकी है तो जो जिस स्पीड में हमारे पास डेटा आ रहा है, आपने जैसे फ्राइडे को डिस्कस किया था, उस स्पीड में हमारे लैपटॉप में नहीं चलता है, बिकॉज इथरनेट केबल की स्पीड जो पीसीज है ये पुराने वाले हैं, अब ये पीसीज में डेटा को एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी 100 Mbps की है, अब मैं सिक्स मतलब 1000 से भेजूंगा तो एक्सेप्ट, वो कहेगा 1000 को अपने पास रख, 900 अपने पास रख, मुझे 100 Mbps। अगर लैपटॉप इसी स्पीड का और केबल हमने कैट सिक्स से लगवा लिया तो उसी स्पीड में डेटा आएगा, स्पीड में डेटा जाएगा। लेटेस्ट लैपटॉप खरीदने का यही फायदा होता है कि उनमें जो लैन कार्ड वायर लगाने, ये वायर लगाने वाली चीज़ है, वाईफाई की बात नहीं कर रहा हूं, तो लाइन लगाने वाली चीज़ है ना, उसमें आज की स्पीड 1 GBPS है,
आपने जो खरीदा होगा उसकी स्पीड 1 GPS है, उसमें आप 1 GPS वाली कैट 6 वाली तार लगा सकते हैं, कैट 6 तार लग सकते हैं आराम से लग सकते हैं। यूटीपी केबल इसे इथर केबल है, इथर इथर केबल या एथर केबल, इसे एथर केबल भी कहते हैं, इसे कई लोग लैन केबल भी बोलते हैं क्योंकि ज़्यादातर ये लैन कनेक्टिविटी के लिए, इसे लैन केबल भी बोला जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखना, इथरनेट केबल लैन केबल के नाम से भी इसे जाना जाता है। बेसिकली ये है UTP अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, ठीक है जी, समझ आ गया। लास्ट केबल जिसे कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर या फाइबर ऑप्टिकल, तीसरी जो हमारी केबल है फाइबर ऑप्टिकल या ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है ना, फाइबर ऑप्टिकल। फाइबर ऑप्टिकल में बेसिकली क्या होता है आपका, दो तरह की केबल होती है, एक होती है सिंगल मोड और दूसरी आपकी होती है सिंगल मोड की जो डेटा भेजने की कैपेबिलिटी होती है ना वो लेजर की फॉर्मेट में, लेजर, इसलिए कहा जाता है एक ही बारी में कम से कम 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर अप कर लेती है। और LED ये लाइट एमिटिंग डायोड 2 किलोमीटर का डिस्टेंस, ये एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा है। ISP आज के मल्टी मोड यूज करता है, सिंगल मोड यूज नहीं करता, कई ISP है जैसे कि रिलायंस वो से ऐसे यूज करें जिसकी किलोमीटर है 50 किलोमीटर, एक ही बारी में 50 किलोमीटर तक का डिस्टेंस कवर कर लेती है वो। पर सबसे बड़ी ड्रॉबैक इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, जरा सा। पर सबसे अच्छी बात इसके अंदर, जो सबसे अच्छी बात है, क्यों, बिकॉज इसमें इसमें कोई सोल्ड वायर नहीं, राइट, इसके अंदर जो डेटा ट्रांसफर होता है ना वो लाइट की फॉर्मेट में, लाइट, और लाइट पे कभी भी EMI इफेक्ट नहीं करता। जैसे ये लाइट है, लाइट जल रही है, अब मैं यहाँ से ये पंखा चल रहा है, देखो कुछ हो रहा है, दिक्कत हो रही है, अगर इस लाइट के यहाँ पे एक तार लगी होती है सॉलिड वायर, कॉपर वायर लगी, तो पंखा अभी तक काट चुका होता, उससे सॉलिड चीज को काट चुका होता, क्योंकि सॉलिड चीज पर चीज टकरा जाती है, मगर लाइट की फॉर्मेट में चीज निकल गई, पार निकल गई, इफेक्ट ही निकल गई, इसलिए इसकी स्पीड ज़्यादा है, इस केबल की स्पीड ज़्यादा है, मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, डिवाइस बड़े महंगे आते हैं। अभी देखना एक बार, फिर 4-5 लोग एक साथ बैठे हुए जमीन पे दिखेंगे, तार को जोड़ रहे होते हैं ऐसे से, एक तार को रख के उसको प्रेस करते हैं, फिर निकालते हैं, स्लाइसिंग होते हैं, क्या होता है स्लाइसिंग, वह नाम मेरे को भी नहीं पता है, वो डिवाइस ही 1 लाख रुपये का डिवाइस है, पैसा 1 लाख रुपये, बहुत खतरनाक डिवाइस है। हम तो नॉर्मली पहले क्या करते थे, वहाँ से छीला सदा जो खत्म कौन हो गया अपना काम, तो यहाँ ऐसा नहीं है भाई साहब, ऐसे एक तार रखी बंद गया फिर छोड़ा, फिर रखी बंद गया छोड़ा, आप ये ऐसे करके यूँ ही नहीं है, वहाँ घूमती भी नहीं है भाई, गाड़ भी नहीं बनती इसकी, तो गाड़ बांध दो साली यूँ खुल जाती है, तो गाड़ बांध ही करोगे क्या, कनेक्टिविटी नहीं होगी, जबरदस्त ST कनेक्टर और भी सारे बहुत सारे कनेक्टर्स हैं, मैं भेज दूंगा आपको आज डॉक्यूमेंटेशन, बहुत सारे कनेक्टर्स हैं इसमें, 2 मुंह वाले भी आते हैं, सिंगल मुंह वाला भी आता है, USB वाला भी आता है, बहुत सारे, पर अभी तक हमारे डिवाइसेस हमारे घर पे आ चुका है, पर घर पे माने एक बॉक्स लगा, उस बॉक्स में रखना है बस, और उस बॉक्स से वापस केबल UTP, वापस UTP से मॉडम से बैठे चलो, सारी कमबख्त 1 GBPS की स्पीड आ रही है, मगर क्या करें हमारा मॉडम उसको फिर 100 MBPS में समझता है, इससे घर पे इंटरनेट स्लो चलता है। जिस दिन हमारे कंप्यूटर लैपटॉप पे फाइबर डायरेक्ट आ गया, हमारे मॉडम आ गए ना फाइबर वाले, उस दिन तुम नेट की स्पीड देखना, उस दिन तुम इसको भूल जाओ, उसके बाद तुम याद करोगे इस, इसको कहते हैं लाइट फ्रेटिलिटी, इसे कहते थे वायरलेस फिडेलिटी, इसे कहते हैं लाइट फिडेलिटी।
वो कि लाइट से ही सारा हो। लाइट तो सर बहुत तेज चलती है, जैसे कि बचपन में लेजर लाइट जलाते थे हैं, बस ऐसे बटन दबाते थे पड़ोसी घर में लाइट बजा देती है, यूँ क्लिक करते थे वो आसमान में जाती मेरी तार। लाइफ है, हैक भी नहीं हो सकता ऐसा। ऐसा गलत बात, ये गलत बात, ये तो आपने गलत बोला है। लाइफ आई को हैक करने के चांसेस है, लेकिन उसके लिए आपको लाइट चाहिए, उस रूम में जाना पड़ेगा। कनेक्टिविटी तो है ना, आप ये नहीं कह सकते कि हैक नहीं हो सकता। मतलब पड़ोसी का है तो हैक नहीं कर सकते, इस यही हम कह रहे हैं। नेटवर्क कनेक्टिव वाईफाई तो अभी भी नहीं कर सकते, कर सकते। तो सर जैसे ये अगर वाईफाई है इस रूम में है और उस रूम में ये लाइट नहीं जा रही है तो कनेक्टिविटी नहीं होगी, इसी रूम में ही होगा विद इन। और आपको करनी है तो आपको वो डिवाइस और इक्विपमेंट भी यूज़ करने पड़ेंगे जो लाइफ आई समझते हैं। लाइफ आई की शुरुआती स्पीड। स्टार्टिंग बता रहा हूँ मैं आपको, स्टार्टिंग स्पीड है ये लाइफ आई। हाँ एक्सटेंड होती है अगर आप अच्छी वाली, मैंने मिनिमम बोला है, अगर अच्छी वाली यूज़ करो तो 50 किलोमीटर। रिलायंस ने कौन सी बिछाई है, सिंगल मोड बिछाई है और 50 किलोमीटर तक की डिस्टेंस बिछाई है। और आफ्टर 50 किलोमीटर के बाद देखे ना वो लंबे लंबे से गोल गोल से आते हैं डिवाइस। अरे देखना आप कभी, जैसे नॉर्मल कोएक्सियल केबल में क्या होता है, पर्स टंगे होते काले काले, वाईफाई इसमें फाइबर में आप चेक करना, खंभों पर देखना, इतने बड़े बड़े काले काले से लंबे लंबे बॉटल जैसे, हाँ बोटल, या वो जो आर्किटेक्चर वाले बच्चे नहीं होते पीछे टांग के घूमते हैं सारे, उसको बोलते हैं, मैं नाम हर बार भूल जाता हूँ। वो फाइबर, ये फाइबर वो क्या होता है, जैसे तार कहीं से कट गई, अब तार को आप जोड़ तो सकते नहीं हो, या तो पूरा का पूरा टुकड़ा फेंको, ये होता है सर। अगर तार कट गई ना तो उसको पूरा टुकड़ा फेंकना पड़ता है, क्योंकि सारे डिवाइस बड़े महंगे हैं। वरना वही काले वाला जो बता रहा हूँ ना आपको, काले वाला बोतल वाला, आपको एक तार यहाँ से जाएगी एक तार यहाँ, दोनों अंदर कनेक्ट, और अंदर अंदर कनेक्टिविटी होती है। ऑरेंज कलर के मिलेंगे, ब्लैक कलर के मिलेंगे, फाइबर की केबल के रंग भी अलग होते हैं, कोई ब्लैक कलर की मिलती है, कोई ऑरेंज कलर की मिलती है। कलर का तो मैंने कभी देखा नहीं यार। हाँ जियो वाले ऑरेंज बिछा वो यहाँ पे बिछा, बाहर तो सबमरीन केबल है भाई, जो कश्मीर से लेकर, मैंने बताया था ना कि रिलायंस ने K2K अपनी खुद की फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाई है, वो जो केबल बिछा रहा है ना वो सबमरीन केबल है, और सबमरीन केबल के अंदर भी उसने फाइबर इसलिए बिछाई है क्योंकि 100 चीज़ें होती है जो इफेक्ट कर सकती है, तार को काट सकती है, फाइबर में ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती, EMI कुछ नहीं, उसने ज़मीन के अंदर और पानी के अंदर बहुत तगड़ी केबल बिछाई है, उसका सिनेरियो बहुत खतरनाक है। कहाँ स्पीड देता है सर? सर अभी लगेगा ना, अभी तो बेचारा अभी तो पैदा हुआ है, पैदा होने के बाद तुम कह दो कि साला वो बातें करने लग रहे हैं, अभी नहीं वो पैदा हुआ है, पैदा होने के बाद उसको भी जवान वाले बताएगा, टाइम लगता है हर चीज़ को। तो आने लमाने की वजह से 10 साल लेट हो गया। हम लोग ऐसे 10 साल चलो हम लोग लेट जाते हैं, लेकिन बाकी में मेरे को बड़ी हैरानी होती है, बाहर आज की डेट में 5G चल रहा है, 7G चल रहा है, 7G कहीं है सर, अभी हर जगह चल रहा है ना। तो सबसे बड़ी अच्छी आबादी वाला देश में सारा 4G भी ढंग से चल रहा है, 5G का रेंज भी बहुत कम है सर। रेंज या जितनी तुम, दो चीज़ें होती है, ओमिडायमेंशन सेमिडायमेंशन, सुना है ये, और ये डिफरेंस है। जहाँ तुम्हें स्पीड अच्छी चाहिए उसकी रेंज कम मिलेगी, मतलब वो अब यहाँ कोई बंदा बैठा हुआ है उसके पास तो रेंज ही नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि स्पीड ज़्यादा है। अब जहाँ स्पीड कम है तो उसकी रेंज ज़्यादा है, मतलब वो कम है, रेंज बहुत कम है, या रेंज ज़्यादा थी या रेंज कम है। टावर देखिए कभी फ़ोन के, उनमें दो तरह के डिवाइस लगे होते हैं, एक डिवाइस लगा होता गोल वाला, एक लंबा होता है, एक लंबा गोल वाला इसलिए काम आता है, ओमी डायमेंशन, मतलब एक टावर से दूसरे टावर की कनेक्टिविटी, भाई साहब कितनी दूर, 10-10, 20-20 किलोमीटर दूर होते हैं टावर दूसरे वाले हैं कनेक्टिविटी, वो करा देता है, उसको फ्रिक्वेंसी से कोई मतलब, उसे तुम्हें थोड़ी नेटवर्क कनेक्शन लेना है, उन्हें तुम्हें थोड़ी तुम्हारे मोबाइल के डंडे खड़े करने हैं,
उसे तुम उसे वही मतलब नहीं होता, उसे मतलब होता है दूसरे वाले टावर से, माइक्रोवेव, माइक्रोवेव मैं आपसे बोल रहा हूँ। और दूसरे लंबे वाले को क्या होता है, लंबे वाले को होता है कि मेरे आसपास का जो एरिया है ना मैं उसे कवर अप करूँ, मुझे डिस्टेंस से कोई मैटर नहीं है पर मेरे आसपास के सभी लोगों के टावर खड़े रहे। सर बहुत चीज़ें होती है इलेक्ट्रॉनिक, मैंने छोड़ दी मैं आपको बहुत कुछ बता सकता हूँ। मैंने बीए किया है, बीए और बीए करने के बाद मैंने सब कुछ सीडीएमए वाला हो गया, सीडीएमए वो तो सर वो कॉन्सेप्ट था, वो खर कैरियर, वो कैरियर मतलब जहाँ कैरियर बड़ा आगे मतलब वो कैरी कर, ये कैरी मैंने कुछ नहीं है सर, ये होता है कि हाउ टू एक्सटेंड योर नेटवर्क, हम अपने नेटवर्क को एक्सटेंड कैसे कर सकते हैं बाई दिस, इससे हम लोग एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क से जुड़ सकते हैं और इससे हम अपने यूजर्स को सर्विसेज दे सकते। यहाँ पे सर्विसेज यूजर्स को बहुत अच्छी मिलेगी यार, नेटवर्क बड़ा अच्छा है, टावर बड़ा अच्छा है, ये है वो है, बेसमेंट में भी सर आपको कनेक्शन मिलते हैं अच्छी चीज़ें। आप दिल्ली मेट्रो में ट्रैवल करो, रिलायंस के ना, रिलायंस के पूरी मेट्रो के अंदर कनेक्टिविटी अच्छी आती है, अलग वोडाफोन और एयरटेल की इतनी अच्छी कनेक्टिविटी है जितनी रिलायंस की कनेक्टिविटी अच्छी है। कहीं कहीं रिलायंस भी दिक्कत करता है क्योंकि वो एरिया बना होता है, रिस्ट्रिक्टेड होता है, वहाँ नहीं, रिलायंस देखो मस्त चलता है सर, क्यों, क्योंकि उसने ऐसे टावर बनाए हैं जो अंडरग्राउंड भी आपको कनेक्टिविटी हो रहा है, मैंने पैसा खर्च किया, वही कहते हैं तो धीरू भाई अंबानी के बच्चे ऊपर से हैं। रिलायंस ही जियो सर, रिलायंस जियो एक ही कंपनी के है ना, नहीं रिलायंस अनिल अंबानी का है, जियो नहीं वो रिलायंस, रिलायंस जियो पूरा वही, रिलायंस जियो, रिलायंस पूरा हुआ, दोनों बच्चों का रिलायंस है, लेकिन ज़्यादातर आपका मूवी मुकेश साहब जी करते हैं, मुकेश क्या करते हैं, नीता करते हैं, नीता करते हैं, ठीक है जी, समझ आया आपको, फाइबर हमारा फ्यूचर है, हालांकि ये प्रेजेंट होना चाहिए था हमारा, पर हम इसको आज के दिन फ्यूचर ही कहते हैं, ये वाक्य में प्रेजेंट है हमारा, हम प्रेजेंट बोल ही नहीं, क्यों नहीं बोल सकते क्योंकि हमारा तरसा आज भी तारों में चलते, आज भी हमारे इसी भी कर रहे हैं, हमें अब टाइम लगेगा, अभी लगेगा 2 साल और लगने वाला, 2020 के बाद देखो कुछ चेंजेस हो सकते हैं कि हमारा अच्छा अच्छा भी चलेगा, क्योंकि लीफाई आज का नहीं है यार, लीफाई बहुत पहले का आया उसका, अभी तक इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रहा, मैंने आज सिर्फ 3 साल पहले सुन लिया था, इसमें 3 साल पहले सुन चुका था मैं इसको कि लीफाई 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 लाइफाई लाइफाई लाइफाई, सुना सुना था बस, अभी तक सुना ही है, मैंने भी डिस्कवर में एक बार सुना था, डेमोन्स्ट्रेशन हम देखे थे, डेमोन्स्ट्रेशन देखे थे यस, कहाँ पे, यूट्यूब पे, यूट्यूब पे तो है, डिस्कवरी बहुत करें, डिस्कवरी वाले पूरा दिखाया था, वाक्य में दिखाया, पर हम क्या कर सकते हैं, अभी एंड यूज़र का जो डिवाइस है, जो आपका एंड यूज़र है ना उसका डिवाइस अभी भी खतरनाक है, क्या हुआ ऐसे लगे, तीन पंचर चला रहे हैं, अब बात आती है डिवाइसों की आपस में कनेक्टिविटी मतलब केबलिंग की, अभी तो आपने केबल्स के बारे में सुना है, अब आप जब कभी कंप्यूटर से लैपटॉप, लैपटॉप से लैपटॉप, स्विच से स्विच, राउटर से स्विच या राउटर से पीसी कनेक्ट करते हो तो आपको किस तरह की केबल यूज़ करनी चाहिए, केबल यूज़ करनी चाहिए, तो उससे पहले उसको समझने से पहले दो इक्विपमेंट्स की बात करना चाहूँगा, इतना के दो तरह के इक्विपमेंट्स होते हैं, एक होता है डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट, डेटा डी ए टी ए वाला डेटा टर्मिनल टी ई आर वाला टर्मिनल ई के यू वाला इक्विपमेंट, तो डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट, और दूसरा होता है डेटा कम्युनिकेशन, डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट और डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, हाँ ऑफिसर क्या हाल है, क्या मुश्किल लग रहा है, थक गया क्या करूँ, मैं तुम्हें दे रहा है किसी को, दे रहा हूँ
मेरा शूट भी बड़ा बिजी चलता है, थर्सडे फिर आऊँगी नहीं मेरा बिजी चलता है ठीक है ना, इस बार छोड़ी जाते हैं मैं छुट्टी चलता हूँ क्या ठीक है जी। तो बेसिकली क्या है, डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट और डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, दोज डिवाइस विच इज यूज टू स्टार्ट द डेटा एंड स्टोर द डेटा, दैट इज डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट। जो डिवाइस डाटा को स्टार्ट एंड स्टोर या स्टोर करते हैं उन इक्विपमेंट्स को हम डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट्स कहते हैं, एंड दोज डिवाइसेज विच इज यूज ओनली फॉर द कम्युनिकेशन पर्पज, दे नेवर स्टार्ट द डेटा, दे नेवर स्टोर द डेटा, दे ओनली यूज फॉर कम्युनिकेशन, दैट इज डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। तो एग्जाम्पल बता सकते हो भाई, ऐसे इक्विपमेंट जो डेटा को स्टार्ट करते हैं और ऐसे इक्विपमेंट जो डेटा को सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेट करते हैं अपने पास, गेट में हो जाएगा सर वायर, नो 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 वायर इक्विपमेंट है, राउटर स्विचेस कौन से मतलब डीसी या डीटी, डीसी कौन सा, राउटर्स स्विचेस वो नॉट राउटर्स, नॉट राउटर्स, अच्छा हाँ राउटर से इंफॉर्मेशन होती है भाई, सो राउटर ऊपर आ जाएगा और सर्वर्स, सर्वर्स लाइक क्लाइंट्स पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर में भी सर्वर, इट में भी कुछ भी हो सकता है, मतलब कंप्यूटर चाहे वो सर्वर हो चाहे कुछ भी हो, क्योंकि आप नोटिस करना हमेशा कंप्यूटर से तो चीज, सर्वर से तो चीज इनिशिएट होती है और घूम फिर के लास्ट सर्वर के पास तो आती है, पर स्विच क्या करता है, अब क्या करता है, लेता और देता है, पर राउटर दोनों काम करता है, राउटर कम्युनिकेशन भी कराता है और राउटर स्टोर और स्टार्ट भी करता है, इसलिए राउटर हाइब्रिड है, राउटर में दोनों चीज़ें एक ये चीज़ें केबल में भी काम आती है, डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट और डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, ये आपकी जब कभी ISP से आप लाइन लेते हो तो ये चीज़ें वहाँ पर डिस्क्राइब होती है, पर यहाँ पर ये अलग डिफरेंस है, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा डिफरेंशिएट इसलिए करा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि जब कभी आप किसी डेटा स्टार्ट करने वाले और स्टॉप करने वाले डिवाइस को आपस में कनेक्ट करोगे ना तो आपको कौन सी केबल यूज़ करनी है, और जब कभी आप डिफरेंट इक्विपमेंट्स को आपस में कम्युनिकेट करोगे तो कौन सी यूज़ करनी है, सेम करोगे तो कौन सी यूज़ करनी है, मतलब जब आप PC से स्विच लगाओगे तो आपको क्या यूज़ करना है और PC से PC कनेक्ट करोगे तो आपको क्या करना है, ध्यान रखना ये दो एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए, अब इसके बेसिस पे होगी केबल, मगर केबल में भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, केबल में भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कैसे हम लोग उनको आपस में कम्युनिकेट कराते हैं, ठीक है ना, क्या नाम था लखविंदर, क्या वीरेंद्र ना तेरा नाम मैंने पढ़ा था, वहाँ वीरेंद्र की जगह कुछ और लिखा था स्पेलिंग में ना, तुमने क्या लिखा था, वीरेंद्र नहीं है तेरा नाम, कुछ और है, RE, अच्छा वीरेंद्र है, ठीक है। तो वीरेंद्र किसी कंपनी में जब आपकी जॉब लगती है और आपको पहला टास्क यही दिया जाता है, आप उसकी केबलिंग कर रहे हैं, केबलिंग बना रही है, तो तुम्हारा पहला स्टेप क्या रहता है, तो तुमने काम किया वैसे तुमसे पूछ लिया, मतलब केबल दे दी उसने तुम्हें, कनेक्टिंग टूल दे दिया, कनेक्टर दे दिया और कहा इसकी अब तुम केबलिंग करो, डिवाइसेस में आपस में कनेक्टिविटी केबलिंग करो, तो क्या माइंड में सबसे पहले चीज़ स्टेट डिफरेंट डिवाइसेस और क्रॉस मतलब सिमिलर डिवाइसेस, मगर उसका क्या चीज मतलब कैसी होती है, ये तो आप बोल रहे हो मगर कंपनी क्या बोल, जैसे अब इसका टाइम सर बोथ एंड सेम होनी चाहिए, वो तो सेम होनी चाहिए मगर बोथ एंड पे होना क्या चाहिए, क्योंकि आप ये थोड़ी आप जैसे आप इसका टाइम आया तो इसको मान लो कलर पता था इसका, जैसे अभी बोल रहा है ऑरेंज ग्रीन वाइट ब्लू वाइट ग्रीन ब्राउन ये बोल रहा है, और कंपनी में ऐसे बोलेगा सर पहले नंबर पे कौन सी लूँ ऑरेंज वाइट, दूसरे पे कौन सी लूँ ऑरेंज, तीसरे पे कौन सी लूँ और ग्रीन वाइट, ऐसे बोलेगा ये, कंपनी वाले इसको निकाल देंगे, कंपनी ये पूछेगा सर केबलिंग करनी तो मैं कलर कोड कैसा लूँ, तो वो आपको बताएगा क्या बताएगा, ये वीरेंद्र फॉलो द 568B स्टैंडर्ड,
लखनऊ। दो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां, इनका नाम है EIA एंड TIA, इलेक्ट्रो इंडस्ट्री एसोसिएशन, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री एसोसिएशन, हालांकि नाम कुछ और है पर यही है, आगे आई का फर्क है, ठीक है ना, इंडस्ट्री एसोसिएट ही हो या एसोसिएशन हो सकती है। दोनों कंपनियों ने कलर के स्टैंडर्ड बनाए हैं, दोनों कंपनी मिलकर कलर के स्टैंडर्ड बनाए हैं, ताकि कोई ऐसे गवारों की तरह पूछे नहीं सर पहले मैं कौन सी तार लूँ। ये मल्टीनेशनल कंपनी में कभी ऐसा नहीं होता, मल्टीनेशनल कंपनी ऑलवेज फॉलो द स्टैंडर्ड्स, मल्टीनेशनल कंपनी में स्टैंडर्ड चलते हैं। तो सबसे पहला स्टैंडर्ड जो वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है ये इसने बनाया है, मुझे 568V का कुछ नहीं पता, ये अपने इसने बनाया, ये नंबर दिया है इसने, एक रजिस्ट्रेशन वैल्यू दी है, ठीक है ना। तो पूछना होता है 568 का मतलब क्या होता है, पहली बताया एक स्टैंडर्ड बनाया उसने। स्टैंडर्ड में अब कलर कैसे रख रहे हैं, पहले नंबर पे आपकी तार आएगी हमेशा वाइट, जो आप बोल रहे थे ना उसका नाम है 568B। तो ऐसे मत बोलना किसी को पहले पे कौन सी लो दूसरे पे कौन सी लो, उसके बाद आती है आपकी दूसरी, उसके बाद आपकी आती है तीसरी। हम जो तारे यूज करते हैं उनमें ज्यादातर तारे चार ही तारे काम की हैं, चार तारे काम की हैं, बाकी और कोई तारे काम की नहीं, बताऊंगा कौन कौन से। ये आठ तारे मेन इंपॉर्टेंट है, ये जो तार होती है ये आती है TX पॉजिटिव सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए, मतलब ट्रांसमिट पॉजिटिव सिग्नल्स, ट्रांसमिट नेगेटिव टाइप्स ऑफ सिग्नल्स, रिसीविंग पॉजिटिव सिग्नल्स, ये दोनों अनयूज अनयूज बोल दिया, मतलब पहले ये पावर के लिए यूज होती थी, ये वॉइस के लिए यूज होती थी, ये वॉइस सॉरी वॉइस और पावर अनयूज है आज के डेट। ट्रांसमिट पॉजिटिव एंड नेगेटिव, रिसीविंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बस खत्म। चार ही आ रही है, वही तो आपसे कह रहा हूँ, ये चार तारे मेन इंपॉर्टेंट है, एक दो तीन चार, बस खत्म। और इसको लगाने का तरीका भी यही है। क्या अब पावर कहाँ से आता है सर? अब जो ये जो वायर होती है इसमें पावर होता है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब ही यही है, पावर ही है। अभी हम सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं सर दो तरीके होता है, एक मेन और फेस, एक और ग्राउंड, ठीक है ना, मेन और मतलब फेस और ग्राउंड, फेस और ग्राउंड, ये फेस और ग्राउंड ही। तो पावर ये खुद ही कंज्यूम कर लेते हैं आज के। और वॉइस, उन्हीं में वॉइस भी निकलता है, देखिए वॉइस आपका वॉइस कभी नहीं जाता, वॉइस हमेशा डेटा पैकेट में कन्वर्ट होता है, तभी तो हम लोग यूज़ करते हैं वॉइस, ये टेलीफोन लगा हुआ। एक स्टैंडर्ड ये था, एक स्टैंडर्ड ये था, पहला था यहाँ पे, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा आपका सेम, यहाँ बस उल्टा हो गया, यहाँ क्या हो गया, बस ये डिफरेंस आ गया इसमें। ट्रांसमिट और पॉजिटिव सिग्नल्स, अगर आपको रिसीविंग करने हैं तो दो तारे होंगी,
और आपको ट्रांसमिट करने हैं तो दो तारे होंगे, बस चार तारों का मतलब ही तो यही है, दो तारे सेंडिंग के लिए, दो तारे रिसीव के लिए, क्योंकि एक ही तार पे सेंड और रिसीव करोगे डेटा आपस में टकरा जाएगा, कोलिजन हो जाएगा, इसलिए अलग अलग तारे बनाई हुई है। ज़्यादातर वो वाला स्टैंडर्ड इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, नेट पे हम लोग सर्फिंग ज़्यादा करते हैं, हम लोग चीज़ों को ढूंढते जाता है और फिर डाउनलोडिंग पे लगा के छोड़ देते हैं। तो जैसे कि एक कॉल सेंटर होता है जहाँ पे हम लोग कॉल्स करते हैं तो उनके लिए इम्पोर्टेंट ये वाला है। एक होता है कॉल कस्टमर केयर पे कॉल्स आती है क्योंकि यहाँ पे रिसीविंग पहले है तो रिसीविंग पहले, वहाँ पे ट्रांसफर पहले है तो ट्रांसफर पे ज़्यादातर ये वाला यूज़ करते हैं क्योंकि हम लोग ज़्यादातर डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, ज़्यादातर हम लोग बेचते हैं और जिनके पास ज़्यादातर रिसीविंग एंड होता है वो ये यूज़ करते हैं। लॉजिक है एक, वरना आप स्टैंडर्ड कोई भी यूज़ कर सकते, काम दोनों में बराबर है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये होता है कलर कोड, इसे कहते हैं कलर कोडिंग। तो कभी किसी कंपनी में जाओ तो ऐसे नहीं बोलना कि पहले पे कौन सी, दूसरे पे कौन सी, तीसरे पे कौन सी, ये दो स्टैंडर्ड हैं। और जो जो आपने अभी केबल देखी थी ना, इस केबल के ऊपर बकायदा लिखा हुआ है EIA TIA 568B, केबल भी बोलती है, आप देखो बकायदा केबल बोल रही है कि जी मेरे के अंदर कौन सा स्टैंडर्ड डालो, मेरे का कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो करो, लिखा हुआ है EIA TIA 568B बकायदा। लोकल है, इस पर नहीं होगा, इस पर नहीं, लोकल है, क्या करो लोकल है, वो अच्छी कंपनी वाली केबल है, EIA TIA 568B बकायदा लिखा होगा आप, तो इस पर मतलब आपको यही स्टैंडर्ड फॉलो करना है क्योंकि इन दोनों कंपनियों ने इसलिए बनाया स्टैंडर्ड क्योंकि इन्होंने केबल सब स्ट्रक्चर देखा, बनाया किया तो इन्हें पता लगा कि ट्रांसमिट पॉजिटिव वगैरह इसके लिए क्या क्या यूज़ करना। कई बार आपको तार देखने को मिलेगी जिसमें सिर्फ चार तारें होंगी भी देखने को मिल सकती है, फिर चार दो पेयर होंगे। चार पेयर का मतलब आठ तारे, मगर यूज़ हमेशा दो पेयर होते हैं, यूज़ दो पेयर होते हैं, चारों पेयर हम लोग यूज़ नहीं करते। पहले चारों पेयर यूज़ होते थे कुछ पावर के लिए, कुछ वॉइस के लिए, मगर आज की डेट में दो पेयर पे सब काम आ जाता है। 568 जो आया ना, ये बी स्टैंडर्ड, CAT 5E CAT 6, तो यह चार तारों पर भी चल जाती है। आप सिर्फ चार तार, एयरटेल वाले को देखो पतली पतली छोटी छोटी चार तार है इसकी, एयरटेल की तार तो इससे बहुत पतली होती है, काली सी होती है, बहुत छोटी बड़ी पतली होती है जो बाहर से आती है, बाहर से आती है। आप अगर कभी नोटिस करोगे तो जितनी पतली और जितनी वायर ट्विस्ट होती है ना, ट्विस्ट मतलब मुड़ी होती है, उसकी स्पीड उतनी बेटर होती है क्योंकि उसके अंदर जो फ्रिक्वेंसीज होती है ना, फ्रिक्वेंसीज इस कैट 5E की बात करो तो 200 फ्रिक्वेंसीज पे चलता है, और कैट 6 जो है उसके अंदर स्पीड क्यों होगी, क्योंकि उसके अंदर डेटा ट्रांसफ़र की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो 250 है, इस वजह से बढ़ गई है, 250 की वजह से बढ़ गई है वो, वरना केबल सेम, तारे सेम, शक्ल भी सेम, साला स्पीड कैसे बढ़ गई, क्योंकि उसके अंदर ट्विस्ट किया गया इस तरीके से कि उसकी फ्रिक्वेंसीज बढ़ गई है, ठीक है ना। तो अब इसके बेसिस पे हम बनाते हैं केबलिंग। ये तो अभी आपको मैंने स्टैंडर्ड बताए हैं केबल। अब केबलिंग, जब आप दो डिवाइसेस को आपस में जोड़ते हैं, ठीक है जी, जब आप दो डिवाइसेस को जोड़ते हो, दो डिवाइसेस को जोड़ने का मतलब क्या, जब आप पीसी को स्विच से जोड़ते हो, मतलब DTE to DCE जोड़ते हो, ये तो बात थी ना, डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट, डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। तो केबल यूज करते हैं स्ट्रेट थ्रू, STRAIGHT, स्ट्रेट और थ्रू, क्या मतलब, अब आपको यहाँ पे मान लो पीसी है, तो यहाँ पे आपने यूज करा पहले नंबर पे तार वाइट ऑरेंज, मतलब 568B यूज करो वाइट ऑरेंज, दूसरे पे कौन सी होती है, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवे पे,
छठे पे, सातवें पे, आठवें पे, यहाँ पे आपको जो डिवाइस लगा होगा उसका नाम क्या है? तो स्ट्रेट, STARAGHT वाली स्ट्रेट, स्ट्रेट का मतलब ये कि पैरेलल, पैरेलल मतलब बिल्कुल सेम। तो यहाँ पे क्या स्टैंडर्ड आ जाएगा? सेम। ऐसा क्यों? स्ट्रेट ही क्यों यूज कर? क्योंकि इस स्विच के साथ में भी तो कोई ना कोई पीसी तो लगे। जब आप डेटा ट्रांसमिट करते हो, ये टीएस होता ना, टीएक्स, ये इसने रिसीव कर दिया। अब सामने वाले के किस एंड पहुंचा देगा? रिसीविंग है, क्योंकि पीछे मीडिएटर है भाई, यहां से लिया और उधर वाले को दे दिया। ए, मैं आपसे कोई बात करूंगा तो आपके कान में बोलूंगा या मुंह से मुंह चिपका के बोलूंगा? कान में तो बोलूंगा, यहां से ट्रांसमिट होगा, यहां से रिसीव होगा। यही चीज इनमें भी चलती है, कि राउटर एंड स्विच कैसे कम्युनिकेट करता है वो इसमें भी डिफाइन किया जाता है। हेलो हेलो जी, हेलो, मैं फोन पिक कर लूँ। इसलिए स्टेट यूज किया जाता है क्योंकि हम ट्रांसमिट करते हैं तो दूसरा एंड पे, रिसीविंग एंड पे उसे ट्रांसमिट करने की कैपेबिलिटी हमारे स्विच के अंदर होती है, हमारे डिवाइस के अंदर होती है, क्योंकि वहाँ पे इंटेलिजेंट डिवाइस लगा हुआ है जो सेंड हुई चीज को रिसीविंग एंड पे पहुँचाते हैं। क्योंकि इसको पता होता है ना मेरे किस पोर्ट पे कौन सा डिवाइस लगा हुआ है, स्विच, ठीक है जी। अब कोई पता होता है, हम भी सेंड ही करता है इसे। ये होता है जब हम लोग डिससिमिलर इक्विपमेंट अटैच करते हैं, और अगर हम लोग अगर सिमिलर इक्विपमेंट यूज करें, सिमिलर इक्विपमेंट मतलब पीसी टू पीसी, पीसी टू पीसी, स्विच टू स्विच, हब टू हब, पीसी टू पीसी, स्विच टू स्विच, हब टू हब। तो यहाँ पे भी मैंने पीसी कनेक्ट कर लिया, पीसी टू पीसी, स्विच टू स्विच, ठीक है जी। तो केबल का स्टैंडर्ड क्या रहता है? इस केबल को बोलते हैं क्रॉस, क्रॉस ओवर केबल, CROSS वाला क्रॉस, क्रॉस ओवर केबल। इसमें एक फंडा होता है कि जो एक नंबर पे तार है ना उसे तीन पे ले जाओ, और जो दो नंबर पे तार है उसे छह पे ले जाओ, और वाइस वर्सा। अगर आप चाहो तो इनको भी पलट दो, वरना कोई टेंशन नहीं। तो स्टैंडर्ड क्या आ गया? एक तरफ आ गया आपका 568B, और आप ध्यान से देखोगे एक तरफ आ जाएगा आपका 568A। मैं सिंपल कहता हूँ दोनों अलग अलग स्टैंडर्ड यूज करो। क्या बोलते हैं? क्रॉसओवर, क्रॉसओवर, CROSSOVER। इसको कई लोग बोलते हैं, इसका कई लोगों ने नाम रखा हुआ है 1236। बारह छत्तीस मतलब एक को तीन में और तीन को एक में, दो को छ में और छ को दो। मैं नॉर्मली क्या मैं कहता हूँ एक तीन दो छः, मतलब एक को तीन में, दो को छः में, छः को दो में, तीन को एक में। मैं ये बोलता हूँ एक तीन दो छः, एक तीन दो छः,
कई लोग बोलते हैं 12:36, नॉर्मली इंडियन लोगों को आदत है 12:36 बोलने, पर आप बोलना होता है, आप कॉन्सेप्ट समझना कि उसके पीछे यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे क्या हो रहा है, डेटा ट्रांसमिट होगा तो सामने वाले के किस एंड पे जा रहा है, रिसीविंग एंड पे, यहाँ से डेटा रिसीविंग होगा तो सामने वाले के किस एंड पे जा रहा है, ट्रांसमिट एंड। आप नोटिस कर सकते हो केवल इसलिए बनाई जाती है ताकि हम सेंड और रिसीव के स्टैंडर्ड्स को समझा सकें। ठीक है जी, क्लियर हुआ आपको क्रॉस सेवर केबल। पर आज की डेट में खुशखबरी बताना चाहूँगा, पीसी टू पीसी अगर आप स्ट्रेट केबल लगा लो तब भी चल जाए। आज की डेट में जो डिवाइसेज आ चुके हैं वो इतने सेंसिबल हो चुके हैं कि वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि हमारा अगर सेंडिंग आ रहा है तो हमारे किस एंड पे आना चाहिए, वो अपने अंडरस्टैंड करते हैं। कंप्यूटर में सेंसिबिलिटी आ चुकी है। एक्चुअली कंप्यूटर में जब आपके ये डिवाइस लगोगे ना, इसमें आप ध्यान से देखना, इसमें पिनें होती है, पिनें 8 पिनें होती है इसके अंदर। ये जो कनेक्टर हम लगाते हैं ना RJ45, इसके अंदर 8 तारें होंगी तो 8 पिन होती है, इसके अंदर 8 पिन होती है, वो पिन टच होती है, पिन टच होती है, पहले पिन पे, दूसरे पिन पे, तीसरे पिन टच होते पिन, तो पिन टच होती है तो पिन का इंपॉर्टेंट चीज होती है, पिन हमने कहाँ टच होती है। ठीक है जी, क्लियर हुआ। एक केबल और होती है जिसे कहते हैं रोल ओवर। इसका नाम होता है रोल ओवर। होता क्या है, एक्चुअली होता क्या है, हम जब पीसी को राउटर के साथ अटैच करना चाहते हैं तो उसके लिए एक केबल होती है जिसका नाम होता है कंसोल केबल। दिस इज ये ब्लू वाली, ये कंसोल केबल होती है, ये राउटर के कंसोल पोर्ट पे लगती है और ये हमारे पीसी के कम्युनिकेशन पोर्ट, 9 पिन वाला एक कनेक्टर होता है जिसे कॉम पोर्ट बोलते हैं, वहाँ लगता है VGA काइंड ऑफ सर नहीं, हाँ काइंड ऑफ VGA, पर VGA में 15 पिन होती है, इसमें नो होती है, 9 पिन वाला होगा वहाँ लगे। VGA में छेद होते हैं, मतलब वो फीमेल होता है, यहाँ पे मेल होता है, यहाँ पे ये मेल है वो फीमेल होता है, इस तरीके से। अब इसकी लंबाई सिर्फ इतनी है, 1.5 मीटर के आसपास। अब तुम्हारा राउटर, मैं आजकल हमारे लैपटॉप में ना ये वाला पोर्ट नहीं आता, इसलिए कन्वर्टर है, ये कम्युनिकेशन पोर्ट टू USB कन्वर्टर, कम्युनिकेशन पोर्ट टू USB कन्वर्टर है, ये कन्वर्टर है एक तरीके का। तो अगर तुम्हारे लैपटॉप में या तुम्हारे को लैपटॉप कनेक्ट करना है राउटर के कंसोल पोर्ट से, मतलब आपको अपना राउटर का कंसोल पोर्ट कनेक्ट करना है जो कि है 10 मीटर आगे, 10 मीटर, मतलब आप अपने पीसी से राउटर के कंसोल पोर्ट को कनेक्ट करना चाहते हैं, जिसकी मतलब डिस्टेंस, क्योंकि नॉर्मल अगर 1.5-2 मीटर होता तो ये लग जाएगी, मगर अगर राउटर तुम्हारा वो रखा हुआ उस लैब से उस लैब के दो कोने पे, कम से कम 10 मीटर पे रखा हुआ है, अब 10 मीटर तक इस तार को तो बिछा नहीं सकते क्योंकि तो पहले से बनी बनाई आती है। तो हम एक केबल यूज करते हैं जिसका नाम है ROLL, रोल ओवर केबल। रोल ओवर केबल में क्या होता है, हम रोल ओवर केबल में उल्टा करते हैं, पहले को 8वीं में, दूसरे को 7वीं में, तीसरे को 6ठी में, चौथे को 5वीं में, 5वें को 4थे में, 6ठे को 3री में, 2री में, पहले। तो ये कौन सा फॉर्म बना, कुछ भी फॉर्म नहीं बना, ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, बस ये हो गया ब्राउन, वाइट ब्राउन, ग्रीन, वाइट ब्लू, के बाद ब्लू, वाइट ग्रीन, ऑरेंज, इसको कहते हैं रोल ओवर केबल। हाँ जी, ये कंसोल, ये राउटर का कंसोल, इधर RJ, आपका भी RJ45 होगा, उस पीसी का भी RJ45 होगा।
कलर कोडिंग चेंज हो जाती है, कलर बिल्कुल रिवर्स हो जाती है। चाहे कोई भी स्टैंडर्ड यूज़ करो, 568 ए यूज़ करो या बी यूज़ करो, रिवर्स, बिल्कुल रिवर्स, इसको कहते हैं रोल ओवर। राउटर पे होता है, एक राउटर जब आपको दिखाऊंगा, उस राउटर पे जब आप दिखाऊंगा, उस पर कंसोल पोर्ट लिखा हुआ है, जहाँ पे तार लगी हुई है उस पर लिखा होता है कंसोल, कंसोल CONSOLE। ठीक है जी, अब इस केबल को बनाते कैसे हैं, इस केबल को बनाने का तरीका, क्रिम करना होता है, क्रिम, तो क्रिम क्रिम क्रिम। इसमें पहले जो फालतू फंड की चीज़ें होती है उसको हटाने के लिए, ये जो फालतू है ये, इसको यहाँ पे रखते हैं और ऐसे काट देते हैं। अब इसके अंदर होता है यहाँ पे एक छेद, देख रहे हो ना ये वाला, इसके अंदर वायर को ऐसे इंसर्ट किया जाता है और इसके ब्लेड को ऐसे रखा जाता है ताकि ये ब्लेड आउटर जैकेट को काट दे। हालांकि मैंने बताया लोकल केबल है ये, देखो ऐसे निकल रही है, वो जो अच्छी केबल होती है वो फंसी रहती है इसके अंदर, वो निकलती नहीं है, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं थोड़ा सा हल्का सा ना ब्लेड पे, ब्लेड पे अपनी उंगली से थोड़ा सा इसके आउटर जैकेट को काट दूँगा, हल्का सा आउटर जैकेट को, ताकि मेरी अंदर वाली ना कटे वायर, ये ध्यान रखना। उसके बाद ये तार कट गई, इसको यहाँ से छील दिया, छीलने के बाद मैंने बताया था इसके अंदर एक धागा होता है फाइबर का, ये फाइबर का धागा है, मैंने इसको हटा दिया। इसके अंदर चार पेयर होते हैं, एक दो तीन और चार, इनको अनट्विस्ट कर दो, पहले अनट्विस्ट कर दो, इनको खोल दो, फिर एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे, ठीक है जी, बिल्कुल स्ट्रेट केबल हो गई है। अब इसमें आपको पहले एक लगानी है ऑरेंज वाइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, ऑरेंज वाइट, ऑरेंज, देन ग्रीन वाइट, ग्रीन वाइट, उसके बाद ब्लू, उसके बाद ब्लू वाइट, उसके बाद ब्लू वाइट, ब्लू वाइट के बाद ग्रीन, ग्रीन के बाद ब्राउन वाइट, ब्राउन वाइट के बाद ब्राउन। अब ये आठों तारों को हमने यहाँ पे लगा दिया। अब इसको इतना ध्यान से काटना है, इसको इतना ध्यान से काटना है कि ये जो कनेक्टर होता है ना RJ45, इसकी क्लिप नीचे आती है, ये नीचे रखनी है, ऐसे 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 रखनी है, और इसके यहाँ तक, यहाँ तक ये जो सफ़ेद वाली जैकेट है ना वो आनी चाहिए, ठीक है ना। अच्छी केबल की निशानी वही होती है जिसकी जैकेट वहाँ तक आए। उसके बाद इसको ऐसे लिया और इसको अपने हिसाब से काटना है, आप उंगली मत काटे ना, पैरेलल बिल्कुल सपाट इसको ऐसे रखा, ऐसे ये यहाँ पे उल्टा इसमें डाल दो, सीधा सीधा ऐसे करके, ऐसे बस आप धीरे धीरे छोड़ते जाओ, वो तार हिलती नहीं है, अंदर जाने के बाद हिलती नहीं है। तो मेरी जैकेट देखा यहाँ तक आ रही है पूरी प्रॉपर, और यहाँ पे मैंने देखा यहाँ पे सारी तारें भी दिख रही है, यहाँ पे ना तारें भी दिखती है, और इसको थोड़ा मैं प्रेस करते रहूँगा। अब ये तार मैंने यहाँ डाली इसके अंदर, ऐसे ऐसे डाली और पीछे से इसको जोर मारता रहूँगा, और फिर आवाज़ सुनिए कटकी। एक्चुअली क्या होता है, इसके अंदर जो प्लास्टिक होता है ना, प्लास्टिक, वो प्लास्टिक ऊपर होता है, अब वो जब हम लोग इसको प्रेस करते हैं वो प्लास्टिक एकदम नीचे दब जाता है ताकि ये तार निकले। अब एक तरह आपने ये ले लिया, ऑरेंज वाइट, ऑरेंज ग्रीन वाइट, ब्लू ब्लू वाइट, ग्रीन ब्राउन वाइट, ब्राउन। अब आपको क्रॉस बनानी है, तो दूसरी तरफ आपने क्या करा, तार छील लिया पहले, ध्यान से छील लिया तार, अंदर से बस कटे ना किसी से भी, बच गए, तार कट जाती तो मेरा मामला ख़राब हो जाता। फिर इनको दोबारा एक बार अनट्विस्ट कर लो, एक बार ऊपर नीचे। अब एक तरफ तो ऑरेंज वाइट पहले भी ली थी, अब क्या होगा, पहले पाएगी ग्रीन वाइट, फिर ग्रीन, फिर आगे ऑरेंज वाइट, ब्राउन है, ये वाइट पे ना पतली पतली ऑरेंज की तार होगी, वो ले लो, ठीक है। उसके बाद
ब्लू, उसके बाद ब्लू वाइट, उसके बाद ब्लू ब्लू वाइट, ठीक है ना, उसके बाद ऑरेंज, उसके बाद ब्राउन वाइट ब्राउन, तो ये 6 तारे आ गई और ये 2 8 लास्ट की। तो आपने इसको बस स्ट्रेट कर लिया ऐसे करके ना, हल्का हल्का स्ट्रेट भी करते रहो, देख रहे स्ट्रेट स्टैंडर्ड हो चले, ऑरेंज वाइट सॉरी ग्रीन वाइट ग्रीन ऑरेंज वाइट ब्लू ब्लू वाइट ऑरेंज, ठीक है जी। इसको लिया सेम वही चीज, कनेक्टर लिया इंसर्ट किया, एक बार स्टैंडर्ड चेक कर लिया, ग्रीन वाइट ग्रीन ब्लू वाइट ग्रीन वाइट ग्रीन ऑरेंज वाइट ब्लू ब्लू वाइट ऑरेंज एंड दिस। इसके बाद इसको थोड़ा प्रेस करा पीछे से और डाल दिया, आवाज़ आई। अब चेक करते हैं हमारी ये केबल क्रॉस बनाई है, क्रॉस है या नहीं है, ये होता है लैंड टेस्टर। एक तो हमने यहाँ डाल दिया, एक हमने यहाँ डाल दिया, अब उसे स्टार्ट करते हैं। अब एक के साथ 3, 2 के साथ 6, 4-5 पैलर, एक के साथ 2 के साथ 6, देखो पूरी पूरी जो आपने केबल बनाई है वो बिल्कुल मैच करती हुई होनी चाहिए, मैच करती हुई 7-8 पैलर, ठीक है जी। तो ये आपने बिल्कुल सही क्रॉस केबल बना दी, ये टेस्टर हमें बता भी देता है, बताएगा ना कि एक जैसे मैंने यहाँ पे एक के साथ 3 एक इधर एक देख रहा हूँ तो इधर 3 आनी चाहिए, इधर 2 देख रहा हूँ तो 6 पे आनी चाहिए, और वो 5 पे आ गई तो गलती है भाई। मैं तो देख के बता दूंगा, मैं तो देख के बता दूंगा। ठीक है, अब इसमें देखो ध्यान से, अब यहाँ पे देखना थोड़ा, मैं इसको स्लो कर दे, ये फास्ट हो जाए, ये स्लो, हाँ जी, यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ पे 1 वाली 3 में, 2 वाली 6 में, 3 वाली 1 में, 4 और 5 पैरेलल है, और 6 और 7, 6 और 7 8 हो गए। इसमें इसमें मुझे एक तार का डाउट लग रहा है, एक तार है जो वो 4 में थी वो 5 में दिखा रहा है, एक तार का डाउट है, हाँ मेरा डाउट नहीं, ठीक है सही है, क्रॉस के बजाय इसमें ना कई बार दिखने में थोड़ा ऐसा लगता है, तो सही है सही है। 1 3 2 6 3 1 4 5 भी दिखा रहा है, 1 3 2 6 3 1 4 5, हाँ ये पंगा है। किसी ने ना किसी ने क्या करा है, 4 को 5 में कर दिया और 5 को 4 में कर दिया, पर हमें 4-5 से कोई मतलब नहीं, ये मैंने बताया था ना 4 और 5 हमारे लिए कोई मतलब नहीं, तो 4 और 5 का अगर किसी ने कर भी दिया ना तो कोई फंडा नहीं है। हाँ किसी ने ब्लू और ब्लू और ब्लू को भी आगे कर दिया, ब्लू को भी क्रॉस कर दिया, तो ब्लू मैंने आपको बताया था ब्लू हमारे किसी काम के नहीं है, ब्लू हमारे किसी काम के नहीं है, वो 4 हमारी जो नीचे की तारें होती है ना, 2 इधर की और 2 ब्राउन वाली, अगर उसको भी क्रॉस कर दो कोई मैटर नहीं है, ये भी क्रॉस केबल है हमारी, वो 4 तारे जो है ना वो सही है, वो एक्यूरेट है। तो ये हमारी 2 क्रॉस केबल बन गई, मुझे चाहिए थी, ये मेरे काम हो गया। अब आपको एक बस छोटा सा काम दे रहा हूँ, करना क्या है आपको, मैं आपको दे रहा हूँ तारे सिर्फ काटनी है, काटने के बाद उसका स्टैंडर्ड बनाना है, स्टैंडर्ड बना के यहाँ पे करेक्टर अभी 2 ही अवेलेबल है, उस करेक्टर के अंदर डालना है, और डालने के बाद मुझे सिर्फ दिखाना है, आपको दबाना नहीं, ठीक है ना, क्योंकि गलती से अगर आपने गलत वाला दबा दिया तो मामला ख़राब हो जाएगा, ठीक है जी। ये लो तार, तो जिसने कभी बना के देखी हुई है पहले, अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है तो कोई बात नहीं, तो पहले भी बना रखी होगी ना, सीखी होगी। ये लो जी, इसमें ही गलत बना रखी है, नहीं वो छोड़ो, वो आप अपना अपना यूज करो, अगर कनेक्टर हमने लगा दिया अगर उसके बाद अगर ये खराब हो गया तो कट बिल्कुल कट, क्योंकि इसके अंदर जो अगर इस पे कनेक्टर में ध्यान से देखोगे ना, ये जो गोल्डन गोल्डन होता है ये बाहर होता है, बाहर अगर इसने आपको दबा दिया ना तो गया, दब गए अब उसके अंदर तार घुसड़ेगी, तुम कहाँ से घुसड़ोगे तार को भाई, मतलब ये कनेक्टर गया गया गया, तभी मैं आपके कह रहा हूँ कि ये
ये थोड़े महंगे कनेक्टर है इसलिए आप इसको डाल के डाल देना बस, क्योंकि आप लोग केबल गलत बना सकते हो ना, मैं तो सही बनाऊंगा तो आप बना सकते हो, तो क्यों कनेक्टर वेस्ट करना यार। ये बस सिर्फ केबल ये लो, ये भी रख लो, बस सिर्फ सिर्फ डाल के मुझे दिखा देना कि सही डाला है गलत डाला। कनेक्टर 2 रुपये का, कहीं और भी आते हैं सस्ते वाले भी आते हैं। इनका डब्बा 100 कुछ रुपए का था, अभी पता नहीं कितने का मंगवाया, 100 पीस। हाँ 100 पीस, पता नहीं अभी कितने का भी मंगवाया था इन्होंने, आई डोंट नो कितने का मंगवाया। कौन और रह गया, कोई और रह गया, कोई और रह गया, और कोई रह गया, छोटी रह जाती है तो ये कनेक्टर कनेक्टर होता है, ये जॉइंटर है, ये जॉइंटर है, तार को जॉइंट करने ये तो कनेक्टर लगा के जॉइंट होगा। हाँ हाँ जॉइंटर, उसी के तो जॉइंटर कहते हैं भाई। तो बस आप काट के कलर कोड बना के मुझे दिखा दो, और कुछ मत करना। 568B का कोई भी बनाओ, इट्स अप टू यू, ये आप पे डिपेंड करता है आप क्या बनाना चाहते। अगर सर हमसे थोड़ा सा तार कट गया, एक तो अलग ही हो गया, अगर थोड़ा सा सर क्रैक कट जाता नहीं, कटने नहीं चाहिए तार, अगर कट गई ना गया काम से। मतलब अगर ऐसा हो गया ये क्रैक जो दिख रहा है सर, नहीं सर दिक्कत आ सकती है, क्योंकि इसमें क्या है जरा सा भी किसी के साथ टच हुआ कुछ हुआ तो वो दिक्कत कर सकता है। कोशिश यही करो कि भाई कटे ना, इसलिए बाहर की जैकेट को बड़े ध्यान से हल्का 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 काटना होता है, बिल्कुल हल्का रख के काटना, बाहर की जैकेट को बिल्कुल हल्का रख के बंद कर दे भाई ऑडियो। अभी कर दिया क्या, बोलना पड़ता तुझे।